एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया कि कैसे हम लोगों ने ट्रैवल किया टाटा नगर जंक्शन से पुरी तक, और पुरी तक ट्रैवल करते टाइम वी एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ लोकल स्ट्रीट फूड्स। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, देन आई एम गोइंग टू पुट द लिंक राइट हियर, प्लीज गो एंड वॉच इट, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। एंड नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक यू गाइस टू जगन्नाथ पुरी एंड शो यू एज मच एज आई कैन बाहर से, क्योंकि अंदर तो फोन्स ले जाना अलाउड नहीं है। उसके बाद हम लोग जाएंगे चिल्का लेक, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पे डॉल्फिन्स हैं। सो वी आर गोइंग टू सी इफ वी कैन स्पॉट एनी डॉल्फिन देयर। एंड लास्टली गाइस, आई एम गोइंग टू टेक यू टू सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ पुरी जो कि मैंने विजिट किए थे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हेलो यू गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स डे 2 इन पुरी। तो आज के लिए हम लोगों ने ये प्लान किया कि सबसे पहले तो हम लोग जा रहे हैं मोंटू, मेरे मामा जी के बेटे का मुंडन कराने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे जगन्नाथ टेम्पल, क्योंकि अगर आप लोग पुरी आए हैं और पुरी आके अगर आप लोग जगन्नाथ टेम्पल नहीं गए तो आई गेस आप लोग की जो पुरी की पूरी ट्रिप है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल के लिए, उसके बाद लेट्स सी व्हाट एंड ऑल वी कैन डू लेटर। तो क्योंकि हम लोग ने जो होटल बुक किया था वो जगन्नाथ टेम्पल के बिल्कुल बगल में था, तो हम लोग वहाँ पे पैदल ही चले गए। और हम लोगों ने होटल से ही एक एजेंट ले लिए थे जिन्होंने हमें गाइड किया कि हमें सबसे पहले क्या करना है और कहाँ जाना है, जिससे कि हमारा ये पूरा जर्नी थोड़ा और स्मूथ हो गया। तो हम लोग चलते चलते सबसे पहले पहुंच गए जगन्नाथ टेम्पल के पीछे वाले एरिया में, जहाँ पे सारे छोटे छोटे बच्चों का हमेशा मुंडन चलता रहता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे मामा जी के छोटे बेबी का मुंडन हो रहा था, तो हम लोग भी यहाँ पे पहुंच गए और यहाँ पे हमें हार्डली आधा घंटा लगा एंड एवरीथिंग गॉट डन वेरी वेरी स्मूथली। और अभी हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए। पता नहीं मैं आप लोगों को कितना दिखा पाऊंगी, बट आई ट्राई माय बेस्ट। तो जगन्नाथ टेम्पल के एंटर करने से पहले आप लोग को राइट साइड में दिखेंगे ये सारे लॉकर्स, जहाँ पे आप लोग को अपना फोन और अपने जूते सबमिट करने पड़ते हैं। तो मैं इससे आगे का तो शूट नहीं कर पाई, बट दिस इज द 10th सेंचुरी ब्यूटी गाइस, जो कि डेडिकेटेड है जगन्नाथ भगवान बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी को। जगन्नाथ टेम्पल के जस्ट अपोजिट साइड में आप लोग को दिख जाएंगी ये बहुत सारी शॉप्स, जहाँ से आप लोग कर सकते हैं सोवेनियर, स्टोनवेयर और यहाँ की लोकल हैंडीक्राफ्टेड हैंडलूम शॉपिंग। जगन्नाथ टेम्पल का दर्शन और हमारे जो दर्शन है बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत ही इजीली हो गए, क्योंकि हम लोगों ने हमारा जो होटल है यहीं से हम लोगों ने एक एजेंट को हायर कर लिया था, जिसने मुंडन भी करा दिया प्लस हमारे दर्शन भी बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही इजीली करा दिए। अगर आप लोग पूरी आते तो आप लोग जिस भी होटल में ठहरते हैं वहाँ पर आप लोग को पक्का ये ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग एक अच्छा सा एजेंट हायर कर ले, जो कि आपके जो दर्शन है उसको थोड़ा सा ईजी बना दे, रादर देन कि आप लोग वहाँ पर डायरेक्टली जाए और वहाँ पर क्यू में खड़े रहे। तो मेक श्योर कि आप लोग ये वाला सर्विस अपने होटल से ज़रूर लें। तो जगन्नाथ टेम्पल के बाद में हम लोगों ने किया एक अच्छा सा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट एक अच्छे से जॉइंट पे, जिसका मैंने डिटेल्स आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिया है। इफ़ यू हैवंट चेक इट आउट, आई एम गोइंग टू लिंक इट राइट हियर, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करने के बाद में हमारी जर्नी स्टार्ट की चिल्का लेक के लिए। ब्रेकफास्ट, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दी चिल्का लेक। वो पूरी से करीब 50 किलोमीटर है, तो हम लोग को आई गेस 1.5 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। फाइनली 1.5 घंटे की राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं चिल्का लेक, और यहाँ पे आई थिंक बोट्स मिलती है जाने के लिए, उसके लिए टिकट्स लेना पड़ता है। सो आई एम गोइंग टू टेक द टिकट्स नाउ। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है इट्स जस्ट ब्रेथटेकिंग। च
चिल्का लेक के पार्किंग के जस्ट बगल में आप लोग को मिल जाएगी यहाँ की टिकट काउंटर, जहाँ से आप लोग ले सकते हैं टाइप्स ऑफ टिकट्स। सो वी हैव टेकन द टिकट्स, और टिकट्स में दो टाइप की टिकट्स हैं। एक टिकट वो है जिसमें कि यहाँ से हम लोग को बोट से लेके जाएंगे और डॉल्फिन्स और क्रैब्स दिखाएंगे एंड हम लोग वापस आ जाएंगे। और जो दूसरी वाली टिकट है उसमें ये है कि आप लोग को डॉल्फिन भी दिखाएंगे, क्रैब भी दिखाएंगे, उसके बाद और आगे ले जाएंगे एंड देर इज़ एन आइलैंड, वहाँ पे यू कैन चिल फॉर अ वाइल एंड देन यू कैन कम बैक। बट हम लोगों ने पहला वाला ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि वो सिर्फ 2 घंटे का है, और जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो 3 घंटे का था, तो 3 घंटे वुड हैव बीन टू मच। तो हम लोगों ने पहला वाला ऑप्शन चूज़ किया और उसका कॉस्ट है 3,500। जो सेकेंड वाली ट्रिप है जिसमें कि आप लोग को आइलैंड तक ले जाएंगे, उसका कॉस्ट है 4,200। अपनी बोर्ड में एंड आवर जर्नी इज गोइंग टू स्टार्ट एंड आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड, क्योंकि मैंने आज से पहले डॉल्फिन नहीं देखी। और जो लोग टिकट्स दे रहे थे उन्होंने बोला कि अगर हमें डॉल्फिन ना देंगे तो वो लोग पूरे पैसे वापस कर देंगे। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। बोट वाले भैया होते हैं वो नाव को ले जाके एक ऐसी जगह पे एंकर कर देते हैं जहाँ से आप लोग आसानी से डॉल्फिन स्पॉट कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था। बट मुझे डॉल्फिन दिखी है नहीं। फॉर नोइंग दैट प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। सो वी हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ से हमें सपोजिटली डॉल्फिन दिखनी चाहिए, बट मुझे दिख रही है कुछ कुछ, बट बहुत दूर से दिख रही है, पास अभी तक कोई आई नहीं है। सो लेट्स सी इफ वी कैन सी अ डॉल्फिन पास से। मुझे इतने ही विजुअल्स दिखे डॉल्फिन के, जबकि मैंने कुछ और ही इमेजिन कर लिया था वहाँ पे पोस्टर्स वगैरह को देख के। बट सिंस दीज आर वेरी लवी डवी वाटर एनिमल्स, सो आई जस्ट कांट एक्सपेक्ट देम टू कम अप एंड से हाय, सो दैट्स ओके। बट मुझे 3,500 रुपीस पे करना फॉर सीइंग दिस डिडंट सीम ओके। इसके बाद देर इज़ अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ क्रैब कॉल्ड घोस्ट क्रैब, जो कि सिर्फ पुरी में पाया जाता है, वो आप लोगों को दिखाया जाएगा आप लोग को आपके बोट पे ही। एंड इसके बाद थोड़ी देर में एक और भैया आए जो कि सीप से डायरेक्टली मोती निकाल के बेच रहे थे। मुझे नहीं पता कितना ऑथेंटिक है, बट क्योंकि वो सामने के सामने करके बेच रहे थे तो ऑथेंटिक होना ही चाहिए। और इसका प्राइस वेरी कर रहा था 800 रुपीज से 5,000 रुपीज के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मोती। हम लोग सिर्फ 1 से 1.5 घंटे बोट में रहे, जो कि जबकि जो टिकट्स दे रहे थे उनका कहना था कि हम लोग 2 घंटे पानी में रहेंगे। दूसरा दे टुक 3,500 बिकॉज उनका कहना था कि हम लोग को डॉल्फिन दिखेगी, जिसके लिए मैं तैयार हुई थी कि हम 3,500 रुपीस पे कर सकते हैं। बट मुझे बिल्कुल भी वर्थ प्रूफ नहीं हुआ कि मैं 1.5 घंटे की बस बोट राइड पर गई एंड आई पेड 3,500, नॉट एट ऑल वर्थ। बट अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार आए और बहुत ज़्यादा टूरिस्टी फील कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। इसके बाद हम लोग शाम को पहुंच गए गोल्डन बीच पे, जो कि फेमस है काफ़ी ज़्यादा पुरी में। मुझे यहाँ पे सनसेट कैप्चर करना था, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड थी तो मैं वो नहीं कर पाए। बट स्टिल आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी फूड और गेम स्टॉल्स मिल जाएगी, विच मेक्स इट अ रियली कूल हैंग आउट स्पॉट। एंड इसके बाद हमें, क्योंकि अगले दिन पुरी से निकलना था, उससे पहले आई वॉज सर्चिंग फॉर अ नाइस साइलेंट बीच जहाँ पे मैं आराम से बैठ के सनसेट देख सकूँ। एंड फ्रॉम द लोकल रिकमेंडेशन से मुझे पता चला कि मॉडर्न बीच इज द बीच दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए आराम से सनसेट देखने फॉर 1 लास्ट टाइम बिफोर लीविंग पुरी।